आवाज 7 RCR के बाहर अचानक से गोली चलने से हड़कंप मच गया। वहां PCR में तैनात एक पुलिस वाले की राइफल से गलती से 3 गोलियां चल गई। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग थी। दरअसल जो पुलिस वैन तैनात थी 7 RCR के बाहर, वहां पर पुलिस वालों की शिफ्ट चेंज हो रही थी और उसी दौरान वेपन्स हथियारों की अदला बदली हो रही थी जब एक्सीडेंटल फायरिंग। देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान 7 RCR के सामने गोली चलने से हड़कंप मच गई। ये घटना बुधवार देर शाम की है जब यहाँ पे खड़ी एक PCR वैन में तैनात जवान की AK-47 से अचानक से 3 गोलियां निकली। ये तीनों जो गोलियां हैं हवाई फायरिंग हुई थी। उसके बाद जब जांच की गई तो पता लगा जवान से जो गोली है गलती से चली। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ जो PCR खड़ी है, इससे ठीक पहले एक PCR यहाँ खड़ी थी। ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमेशा 7 RCR की सुरक्षा के मद्देनजर एक PCR वैन को हमेशा तैनात किया जाता है। इसके अंदर जो जवान मौजूद होते हैं वो आधुनिक हथियारों के साथ मौजूद रहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इस समय भी जो यहाँ 7 RCR है इसके अंदर जवान बैठे हैं, इनके पास भी इस समय MP5 और AK-47 जैसी जो है वेपन्स वो मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेडीज कांस्टेबल भी हैं। और ठीक जो 7 RCR के सामने की लोकेशन है, एकदम से यहाँ पे बुधवार की शाम गोली चलने की खबर फैलती है। 8:20 की कॉल थी, उसके बाद यहाँ पे मौके पे पुलिस आती है और पता लगाती है तो पता लगता है कि जो PCR के अंदर जवान मौजूद थे, कांस्टेबल थे, उनसे गलती से गोली चली। फिलहाल यहाँ से वो PCR वैन जा चुकी है। उस जवान से इस समय पुलिस पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये फायरिंग कैसे हुई। कैमरामैन देव के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।